नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। इस कोरोना महामारी के समय आप अपना और अपने परिवार का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। मैं हमारे वेबसाइट innovatelearners.com पे हूं। डिस्क्लोजर के साथ स्टार्ट करते हैं। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। द स्टॉक सजेशंस प्रोवाइडेड हियर इज फॉर एजुकेशन पर्पसेस ओनली। कोई भी स्टॉक जो यहाँ बताया जाएगा वो एजुकेशन पर्पस के लिए है। आई चैनल और वेबसाइट विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर प्रॉफिट और लॉस विद दिस चैनल और वेबसाइट सजेशन। मैं चैनल या मेरा वेबसाइट आपके कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही कोई डिसीजन ले आप। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केमकॉन स्पेशियलिटी केमिकल लिमिटेड आईपीओ के बारे में। मैंने एनएससी का लिंक डाल दिया है, इसको क्लिक करते हैं। इसका सिंबल है केमकॉन और ये इशू पीरियड है 21 सितंबर 2020 टू 23 सितंबर 2020 तक। पोस्ट इशू मॉडिफिकेशन पीरियड है 24 सितंबर 2020। उसके बाद इशू साइज देखते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफर कंप्राइजिंग ऑफर फ्रेश इशू एग्रीगेटिंग अप टू ₹1,650 मिलियन एंड ऑफर फॉर सेल अप टू 45 लाख इक्विटी शेयर। यह इशू साइज इसका है 1,650 मिलियन, जो कि फ्रेश इशू है, और ऑफर फॉर सेल है 45 लाख शेयर है। इशू टाइप है 100% बुक बिल्डिंग और प्राइस का रेंज है 338 टू 340। फेस वैल्यू है ₹10। बिड लॉट है 44 इक्विटी शेयर्स एंड इन मल्टीपल देयर ऑफ। या तो आप 44 शेयर पे अप्लाई कीजिए या 44 शेयर के मल्टीपल पे अप्लाई करना है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपको मिनिमम 44 इक्विटी शेयर्स के लिए लगाना होगा, जो कि 15,000 करीब होगा। अगर हम लोग हाई बैंड प्राइस पे लगाते हैं तो 340, मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 340 मल्टीप्लाई 44, आपको 14,960 मिनिमम अमाउंट लगेंगे इसके हाईएस्ट प्राइस पे, जो कि 340 है। और आईपीओ का मार्केट टाइमिंग होगा 10 AM टू 5 PM है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इसको क्लिक करके आप इस कंपनी के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं एनएससी के वेबसाइट पे। उसके बाद हम मैंने डाला है बीएससी लिंक, इसको क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें भी सिमिलर जानकारी दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रे मार्केट प्राइस। इससे मालूम चलेगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करने पर प्रॉफिट मिलेगा या नहीं। तो हम लोग आज के दिन देख सकते हैं प्रीमियम चल रहा है 225 टू 230। उसके बाद सब्जेक्ट टू सौदा 8,000। इसका मतलब यह है कि आपको हर एक शेयर पे 225 से 230 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है और एक लॉट पे 8,000 के करीब का प्रॉफिट हो सकता है। उसके बाद चलते हैं सब्सक्रिप्शन। अब हम लोग कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 1988 केमकॉन स्पेशियलिटी
केमिकल्स लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेशलाइज्ड केमिकल प्रोडक्ट्स HMDS एंड CMIC। ये कंपनी 1988 में बना है और ये स्पेशलाइज्ड केमिकल प्रोडक्ट्स HMDS और CMIC बनाता है। इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड्स वाइल्ड फील्ड केमिकल्स। इसके प्रोडक्ट में पोर्टफोलियो में वाइल्ड फील्ड केमिकल्स है, जैसे कैल्शियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड जिंक ब्रोमाइड, फार्मा इंटरमीडिएट्स, साइलेंस एंड केमिकल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वर्क सभी करता है। और इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। केमकॉन केमिकल इज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिकल्स एंड जनरेट मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। फार्मास्यूटिकल केमिकल्स से केमकॉन केमिकल का मैक्सिमम रेवेन्यू आता है। हेटरो लैब्स लिमिटेड, लॉरस लैब्स, अरविंदो फार्मा, लैंटिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, मैकलोइड्स फार्मा लिमिटेड आर द की कस्टमर्स ऑफ इट्स फार्मा केमिकल बिजनेस। ये सब इसके मेन क्लाइंट है। हाउएवर, श्री राधा ओवरसीज यूनिवर्सल ड्रिलिंग फ्लूइड्स, वाटर सिस्टम स्पेशलिटी आर सम ऑफ द क्लाइंट्स ऑफ इट्स वाइल्ड फील्ड केमिकल सेगमेंट। इसके वाइल्ड फील्ड केमिकल सेगमेंट में श्री राधा ओवरसीज क्लाइंट है। इन 2018 इट वॉज द एथ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ HMDS, या HMDS का एथ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर था 2018 में, एंड सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ CMIC केमिकल वर्ल्ड वाइड, और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर था CMIC केमिकल का। उसके बाद हम लोग इसके स्ट्रेंथ के बारे में देख लेते हैं। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिकल्स अक्रॉस द ग्लोब। ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है फार्मास्यूटिकल केमिकल का अक्रॉस द ग्लोब में। लीडिंग वाइल्ड फील्ड केमिकल्स मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। डाइवर्सिफाइड क्लाइंटेल बेस इन द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट, मतलब कि इसके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, किसी एक क्लाइंट पे ज्यादा निर्भर नहीं है। यह बहुत अच्छा चीज है इस कंपनी के लिए। स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है इसका, और कंसिस्टेंट है। डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर ईच प्रोडक्ट, और डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है हर एक प्रोडक्ट के लिए। और कंपनी का प्रमोटर है कमल कुमार राजेंद्र अग्रवाल, नवदीप नरेश गोयल एंड शुभरंगा गोयल आर द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। अब हम लोग देख सकते हैं 31 मार्च 2017 में 28 मिलियन का प्रॉफिट था, जो कि बहुत तेजी से बढ़कर 263 मिलियन पे पहुंचा। उसके बाद 430 मिलियन पे पहुंचा, उसके बाद 488 मिलियन पे पहुंचा। मतलब कि इससे आप समझ सकते हैं शानदार ग्रोथ है इस कंपनी में। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, ये क्यों इशू ला रहे हैं। फर्म प्रपोज टू यूटिलाइज नेट प्रोसीड्स फ्रॉम IPO टुवर्ड्स बिलो ऑब्जेक्टिव। IPO लाने के ये सब कारण है। पहला है टू मीट कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। वो लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। टू मीट बिजनेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, टू मीट जनरल कॉरपोरेट पर्पस, जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए। अब हम लोग देख सकते हैं फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। 28 सितंबर, 28 सितंबर को फाइनलाइजेशन हो जाएगा IPO मिला कि नहीं आपको। 29 सितंबर को आपको रिफंड मिलेगा अगर नहीं अलॉट हुआ है तो। उसके बाद 30 सितंबर को आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा, और 1 अक्टूबर को ए शेयर लिस्टिंग के लिए ट्रेड होने लगेगा BSE NSE पर।
आप देख सकते हैं यूएनएससी बीएससी पर इसकी लिस्टिंग होने वाली है। उसके बाद प्री इशू शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर 100% है। उसके बाद इशू लाने के बाद ये आ जाएगा 74.47, जो कि अच्छा है क्योंकि मैक्सिमम शेयर होल्डिंग परसेंटेज 75 ही रख सकते हैं कोई भी कंपनी जो लिस्टेड है एनएससी बीएससी पर। तो दोस्तों, हमने केमकॉन आईपीओ के बारे में देखा। आपको आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक का बटन दबा दीजिए। अब ये सवाल है कि मैं अप्लाई करूंगा कि नहीं, तो मैं इसको लास्ट डे देखूंगा। अगर सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा रहा तो मैं अप्लाई करूंगा और मैं अपने वेबसाइट और साथ ही साथ अपने चैनल इनोवेटिव लर्नर पे मैं अपडेट कर दूंगा और ये वीडियो मैं अपने स्टॉक लर्निंग प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, वहां पर भी कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दूंगा। दोस्तों, अगर आपको इस आईपीओ से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे कॉन्टेक्ट अस पेज पे जाकर पूछ सकते हैं। डिस्क्लोजर के साथ दोस्तों मैं खत्म करना चाहूंगा। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। द स्टॉक सजेशन प्रोवाइडेड हियर इज फॉर एजुकेशन पर्पसेस ओनली। आई चैनल और वेबसाइट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर प्रॉफिट और लॉस विद दिस चैनल और वेबसाइट। सजेशन कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। दोस्तों, मैं कैम्स आईपीओ के लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा आपको। धन्यवाद दोस्तों।